आइजम ठगी के नए नए मामले सामने आते रहते हैं, जहां पर आरोपी ने 5 महंगी गाड़ियां किराए पर चलाने के लिए ली और इन गाड़ियों को गिरवी रखकर लाखों रुपए उठा लिए। जब गाड़ी मालिक का किराया समय पर नहीं मिला तो उसने थाने में शिकायत दर्ज की। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने जब आरोपी को पकड़ा तो पता चला कि उसने एक नहीं बल्कि 5 लोगों से करीब 75 लाख कीमत की गाड़ियाँ किराए पर चलाने के लिए ली थी, जिन्हें उसने आगे गिरवी रखवा दिया और वहाँ से भी पैसा लेकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 5 गाड़ियां बरामद की हैं। पूरा मामला हरिद्वार के सिरकुल थाना क्षेत्र से है। कुछ समय पूर्व थाना सिडकुल में वादी द्वारा सूचना दी गई थी कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। धोखाधड़ी के इस क्रम में जब पता करा कि किस प्रकार की धोखाधड़ी, उसके द्वारा बताया गया कि अतुल सक्सेना द्वारा उन्हें एक ट्रैवल एजेंसी खोलने के नाम से वाहन ठेके पर लिए गए। उसके द्वारा लिए गए वाहनों को उसके द्वारा ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से किराए पर चलाया जाना था, परंतु वाहन स्वामियों को जब उस ट्रैवल एजेंसी के नाम से पैसे नहीं मिले तब उनके द्वारा पता कराया गया कि उनके वाहन कहाँ हैं। तब उन्हें पता चला कि इन वाहनों को उक्त अभियुक्त द्वारा अन्य किसी को गिरवी रख दिए अन्य किसी के पास गिरवी रख दिए गए, जिसके उपलक्ष्य में वह स्वयं पैसा प्राप्त कर रहा था।